हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की हापुड़ उत्तर प्रदेश में जो हनुमान शिव महापुराण की कथा चल रही है, यह 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा आज 4थे दिन की कथा समाप्त हुई। आज 4थे दिन की कथा में आपको पूजनीय पंडित जी 5 बहुत ही अचूक और सरल सुंदर सा उपाय बताए हैं। यह उपाय आप नौकरी के लिए या आपका कोई छोटा मोटा व्यापार है उसके लिए दर्शकों, या कोई विशेष मनोकामना है या शुगर की बीमारी हो, बीपी की बीमारी हो, तो आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। इस उपाय से दर्शकों आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दर्शकों, पूजनीय पंडित जी की कथा यदि आप भी सुनना चाहते हैं आस्था चैनल के माध्यम से YouTube पे आप दोपहर 2 बजे से लेके 5 बजे तक इस कथा को सुन सकते हैं। यदि दर्शकों आज आप किसी कारणवश कथा को नहीं सुन पाए हैं तो इस छोटे से वीडियो में संपूर्ण कथा का सार और उपाय आपको इसी वीडियो में समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, अब हम चलते हैं आज के पहले उपाय की तरफ। पहला उपाय आपको करना है, यदि आपके घर में कोई बीपी का, शुगर का मरीज है तो उसके लिए बहुत ही अचूक उपाय है। तो पहले हम इसी उपाय को समझते हैं, उसके बाद दूसरा उपाय है नौकरी के लिए, व्यापार के लिए। यदि आपका कोई व्यापार चल रहा है या नौकरी नहीं लग रही है तो उसके लिए आज आपको पूजनीय पंडित जी बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। अब पहला उपाय दर्शकों, ध्यान रखिएगा, अपने घर से 1 लोटा जल लेके जाएं और 1 बेलपत्र आपको लेनी है। बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखिएगा, आप अपने हाथ की कोई भी उंगली लीजिएगा और उंगली में जो 2 पोढ़े बने होते हैं, जो 2 खाने बने होते हैं, मात्र उतना ही बड़ा बेलपत्र लेना है, यानी कि बहुत छोटा सा आपको बेलपत्र लेना है और 1 लोटा जल आप लेके जाएं भगवान महादेव के मंदिर में। आप जब बैठे तो आपका मुख उत्तर की दिशा में होना चाहिए। जो आप बेलपत्र लेके गए हैं, इस बेलपत्र को आप देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर दीजिएगा। डंडी का भाग जहाँ से पानी गिरता है उस तरफ होना चाहिए और जो आप जल लेके गए हैं, जल आपको सर्वप्रथम महादेव की शिवलिंग पे समर्पित करना है। शिवलिंग से जल चढ़ाते हुए देवी अशोक सुंदरी तक आपको आना है। धार नहीं टूटनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, शिवलिंग से जल चढ़ाते हुए देवी अशोक सुंदरी तक आ पाए और अशोक सुंदरी के स्थान पे आने के बाद 3 बार आप उसी कलश के जल से 3 बार आप जल समर्पित कर दीजिएगा और आपको 3 बार त्र्यंबकेश्वर महादेव और कुंदकेश्वर महादेव बोल देना है। जल समर्पित करने के बाद जब आप आ रहे हों तो अपने साथ थोड़ा सा जल आप उसी पात्र में झेल लीजिएगा और उस बेलपत्र को अपने घर पे लेके आएं। जो व्यक्ति बीपी का मरीज है या उसका शुगर नहीं सही है तो उसे खिला दीजिएगा और जो जल लेके आए हैं उस जल को पिला दीजिएगा। 1 दिन में ही आपको फर्क दिखने लगेगा। दूसरा उपाय है दर्शकों, दूसरा उपाय है यदि आपका कोई कार्य है या आप किसी कार्य के लिए बहुत परेशान हैं तो आप इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। आप जब महादेव के मंदिर में जाएं तो भगवान शंकर जी के शिवलिंग पे जो देवी अशोक सुंदरी का स्थान होता है, देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे भगवान शंकर जी के 5 पुत्रियों का नाम लेके जया, विषहरा, सांवरी वाली, दौतली, 5 पुत्रियों का नाम लेके देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे आप जल को समर्पित कर दीजिएगा 5 बार। यह उपाय आप किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर सकते हैं। अब चलते हैं दर्शकों आज के तीसरे उपाय की तरफ। यदि आप नौकरी के लिए परेशान हैं, व्यापार नहीं चल रहा है, कोई भी व्यापार है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। यह उपाय दर्शकों आपको करना है, कार्तिक पूर्णिमा से लेके शरद पूर्णिमा के बीच में आप किसी भी दिन इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। ध्यान से आप इस उपाय को समझें। 1 लोटा जल आपको अपने घर से लेके जाना है और साथ में आपको लाल चंदन में मतलब आप कुमकुम भी ले सकते हैं, रोली भी ले सकते हैं और थोड़ी सी हल्दी, पिसी हुई हल्दी लेके जाएं। आप सर्वप्रथम महादेव के शिवलिंग पे 1 लोटा जल समर्पित करिएगा। उसके बाद जो आप चंदन लेके गए हैं, रोली या हल्दी, दोनों एक एक बिंदी आपको देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे लगानी है। ध्यान रखिएगा, महादेव के शिवलिंग पे नहीं लगाना है ना ही हल्दी और ना ही कुमकुम, देवी अशोक सुंदरी के स्थान पे आप एक एक बिंदी लगा दीजिएगा
और जिस हाथ से आप बिंदी को लगाए हैं उस हाथ को आपको धोना नहीं है, ना ही किसी में पोछना है। आप उसी हाथ को, अपने सीधे हाथ को अपने घर पे ले आके अपने घर के मुख्य द्वार पे आप दो बिंदी लगा दीजिएगा। यदि आप इस उपाय को शरद पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा तक करते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी धन संपदा की कमी है तो उसमें भी वृद्धि होगी, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी, व्यापार आपका तेजी से चलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह उपाय आपको शरद पूर्णिमा से लेके कार्तिक पूर्णिमा के बीच में ही करना है, उसके पहले आपको नहीं करना है। उसके पहले आप बीपी के लिए, शुगर के लिए बेलपत्र का उपाय करें और किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए देवी अशोक सुंदरी के स्थान पर आप 5 बार भगवान शंकर जी की 5 पुत्रियों का नाम लेकर जल समर्पित करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। दर्शकों, आज की कथा में पूजनीय पंडित जी आपको बहुत ही सरल और सुंदर सा उपाय बताए हैं। यह उपाय आपके जीवन में सुख और आनंद को प्रदान करेगा। अगली जो पूजनीय पंडित जी की कथा है वह कथा आपकी होगी हरियाणा में, और इस कथा में आपको पूजनीय पंडित जी जिस व्यक्ति की आंखों में मोटे मोटे चश्मे लगते हैं या चमड़ी की समस्या है, सफ़ेद चमड़ी हो जाती है या चर्म रोग होता है, तो उसके लिए आपको कथा में पूजनीय पंडित जी उपाय बताएंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।